गया। कचहरी परिसर से सभी को गिरफ्तार किया गया। कचहरी परिसर में बगैर अनुमति के पकड़े गए माफिया ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह की पेशी के समय पकड़ा। मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच पुराना विवाद है। किसी घटना की आशंका को देखते हुए गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज की कर्नलगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी गिरफ्तार हुआ है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल कचहरी से ये गिरफ्तारी होती है, कचहरी परिसर से ये गिरफ्तारी हुई है। बगैर अनुमति के वहां पहुंचे माफिया ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की पेशी हुई थी। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच पुराना विवाद है और इसीलिए कोई बड़ी घटना ना घटने पाए, जैसे ही वहां पर अब्बास अंसारी पहुंचा है, पुलिस को भनक लगी है, पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मुख्तार अंसारी का बेटा है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और गिरफ्तारी प्रयागराज में कचहरी परिसर से की गई है। ब्रजेश सिंह जो कि पुराना विरोधी बताया जाता है मुख्तार अंसारी का, वो पहुंचता है उसी दौरान ये गिरफ्तारी होती है। गुफरान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। गुफरान, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पुलिस की ओर से? मुख्तार अंसारी का बेटा गिरफ्तार किया गया है। देखिए, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा उसके साथ साथ अन्य लोग थे जो मुख्तार अंसारी के बहुत करीबी है, उनकी भी गिरफ्तारी की है। ये दोपहर में माफिया ब्रजेश सिंह की पेशी होनी थी एमपी हमले कोर्ट में, उसी दरमियान ये एमपी हमले कोर्ट में ये सारे लोग पहुंचे थे। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी तभी इनको हिरासत में ले लिया गया। लगातार इन सभी से पूछताछ की गई, इनके कचहरी परिसर पहुंचने की, कोर्ट पहुंचने की वजह पूछे गई। संतोषजनक जवाब जो है ये देर शाम तक नहीं दे सके, जिसके बाद पुलिस ने इनको सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। मामला बताइए आपकी, ब्रजेश सिंह से क्या पुराना विवाद है? पेशी ब्रजेश सिंह की होनी थी लेकिन उसी दौरान अब्बास अंसारी कैसे वहां पर पहुंच जाता है? देखिए, बिल्कुल ये बेहद गंभीर मामला है क्योंकि 2001 में माफिया मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह के खिलाफ एक हत्या का मुकदमा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज कराया था, जिसमें आज ब्रजेश सिंह की पेशी होनी थी। उसी दरमियान जब पेशी होनी थी तब वहां पर माफिया मुख्तार का बेटा पहुंचता है और संतोषजनक जवाब जो है पुलिस को नहीं दे पाया, जिसके बाद कर्नलगंज की पुलिस ने लगातार उसको हिरासत में रखा, पूछताछ की गई। इसके अलावा 7 और लोग जो थे वो भी एक तरीके से संतोषजनक जो जवाब है कचहरी पहुंचने का नहीं दे सके, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इन सभी की गिरफ्तारी की है। ये एक तरीके से खतरा इनसे अंदेशा जताया गया था। जो मुख्तार माफिया ब्रजेश सिंह है उनके लोगों ने भी कहा था कि उनको पेशी के दरमियान उनके ऊपर अटैक हो सकता है, तमाम चीजों का हवाला दिया और उसी दरमियान जब गिरफ्तारी होती है तो जो संदेह का जो खतरा था वो एक तरीके से बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और वैधानिक कार्रवाई जो है प्रयागराज की पुलिस की तरफ से की जा रही है।